अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी के पास और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हमें खाना है ऑथेंटिक पाकिस्तानी फ़ूड। यानी कि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत मिस करते हैं कि हम ऑथेंटिक पाकिस्तानी फ़ूड खाएं। तो यहाँ पर मस्जिद नबवी के पास एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम के पास जो रेस्टोरेंट होते हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत अच्छा है। चाहे आप नाश्ता करें, चाहे आप दोपहर का खाना खाएँ, चाहे रात का खाना खाएँ और यहाँ पर आप चाय पिए, यहाँ का सब कुछ ही बहुत अच्छा, बहुत वैरायटी वाला होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आपको लोकेशन बताती हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। अभी जी मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी के 330 नंबर गेट पर, यानी कि जो बाहर का 330 नंबर गेट है इस पर मैं मौजूद हूँ। ये 330 नंबर गेट है और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये बिन दाऊद है। बिन दाऊद चूँकि मॉल के अंदर है, आप यहां से आ जाएंगे सीधा। सीधे के बाद यहां पर आपने ले लेना है राइट। यहां से हमने जाना है राइट और आगे जाकर है वो रेस्टोरेंट। क्या उनके प्राइस है और क्या क्या मेन्यू में उनके अवेलेबल है, कितने का है और किस तरह आप ले सकते हैं, क्या सिटिंग एरिया है या नहीं है, वो सब कुछ आप मैं आपको बताती हूँ। आगे चलते हैं। रेस्टोरेंट शायद अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप समझ गए होंगे, रेस्टोरेंट है जी कड़क एक्सप्रेस। और बहुत ही जल्दी, यानी कि बहुत ही जल्दी इस रेस्टोरेंट ने अपनी ज़ायरीन में ना एक जगह बना ली है कि हर कोई एक दूसरे को रेकमेंड करता है कि जाके कड़क एक्सप्रेस से आपने खाना ज़रूर खाना है या नाश्ता तो स्पेशली ज़रूर करना है। यहाँ पे आएंगे इस तरह, यहाँ पर आएंगे इस तरह रेस्टोरेंट और आगे है वो कड़क एक्सप्रेस। ये है जी यहाँ पर करीज, यानी कि कोरमा है, चिकन का चिकन करी है और कोरमा जो है वो है 20 रियाल का और साथ में जो चिकन करी है प्लस नान है और चिकन करी है 18 रियाल की। यहाँ पर चिकन बिरयानी है जी 19 से 25 रियाल की, यानी कि सिंगल होगी और डबल होगी और साथ में रायता और ड्रिंक है और साथ में मटन बिरयानी है 30 रियाल की। इसी तरह इनके प्लेटर्स हैं और इनके जूसेस वगैरह है और चाय भी यहाँ पर मिलती है और साथ में चिकन शॉर्मा है। और ये है जो इनकी डील्स जो कि आप ले सकते हैं, बिरयानी मील है और साथ में करीज है, वही सेम है और यहाँ पर चिकन शॉर्मा मील है जिसके अंदर आपको मिलेगा, अगर आप एक शामी या समूली शॉर्मा लेते हैं तो 15 रियाल का होगा और उसके साथ फ्राइज़ एंड ड्रिंक होगी। अगर आप सरूख या टॉर्टिला लेते हैं तो आपको फ्राइज़ एंड ड्रिंक मिलेगी 17 रियाल में। अगर आप प्लेटर लेते हैं, यानी कि पूरा शॉर्मा प्लेटर होता है, अगर आप उस तरह लेते हैं तो वो मिलेगा आपको 30 रियाल का और उसके साथ भी फ्राइज़ एंड ड्रिंक होगी। इसके बाद बर्गर मील्स भी हैं इनके पास और बर्गर मील में है 15 रियाल में चिकन बर्गर और साथ में फ्राइज़ एंड ड्रिंक है। 17 रियाल में बीफ बर्गर है, फ्राइज़ एंड ड्रिंक साथ है और 20 रियाल में जिंगर बर्गर है जिसके साथ फ्राइज़ एंड ड्रिंक है। और सैंडविचेस हैं, आलू पराठा 6 रियाल का है, चिकन पराठा 11 रियाल का है और छोला नान, यानी कि ये नाश्ते में तो बहुत ही अच्छा है, ये मैंने ट्राई किया हुआ है, ये बहुत अच्छा होता है और 8 रियाल का है। साथ में एग है, चीज़ है और फ्लाफल है, ऑमलेट है, ये सब नाश्ते का आइटम है। ये आप प्राइस देख रहे हैं, साथ में लिखे हुए हैं। यहाँ पे हॉट बेवरेजेस भी हैं जिसके अंदर कॉफ़ी है और चाय है, कश्मीरी चाय है और रेड टी है, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये सबके प्राइस है 5 रियाल 2 रियाल 6 रियाल 3 रियाल 9 10 और 9, अब आप देख लें किस चीज़ के रेट आपने देखने हैं। जूसेस भी इनके पास आपको मिल जाएंगे, लेमन मिंट जूसेस मिल जाएंगे, फ्रेश जूसेस मिल जाएंगे, ऑरेंज जूस मिल जाएगा जिसके प्राइसेस है 10 to 15 होगा, तो आई थिंक ये स्मॉल ग्लास या मीडियम होगा और ये लार्ज होगा। ये है जी शॉर्मा और ये इनका बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं पहले भी खा चुकी हूँ, लेकिन इनकी मैंने बहुत सुना है कि बिरयानी बहुत अच्छी है। आज इनकी बिरयानी ट्राई करते हैं कि वाकई में ये जो हाइप क्रिएट हुई हुई है ये वाकई अच्छी है या नहीं है। और बिरयानी के साथ आपको रायता भी मिल जाएगा, ये रायता है, अब इसको देखते हैं, खोलते हैं।
अब कर लेते हैं जी बिरयानी की अनबॉक्सिंग। और ये 19 रियाल वाली यानी कि सिंगल सर्विंग वाली बिरयानी है, और इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही अच्छी थी। अगर बहुत अच्छी डाइट किसी की हो तो वो बहुत पेट भर के और आराम से खा सकते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, मैंने इनका नाश्ता भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, और इनके जो चने हैं और पराठा है, ऑमलेट है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। अगर आपने पाकिस्तानी और अच्छा वाला नाश्ता करना है तो आप नाश्ता भी यहाँ पे जाकर ट्राई कर सकते हैं। और साथ में जो टी लवर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट जो प्लेस है, क्योंकि यहाँ की जो कड़क टी है इतनी कोई मज़ेदार है, इतनी कोई मज़ेदार है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं वैसी वाली हूँ कि जब आपको होता है ना कि नींद आ रही है, थकन मिटानी है, तो मैं चाय पीती हूँ। तो यकीनन हमें मक्का मदीना में ऐसी ही चाय की ज़रूरत होती है जो हमें एनर्जी दे, एक्टिव रखे। तो ये चाय बिल्कुल ऐसी है जो आपकी थकन को जो है वो मिटा देगी। तो यहाँ पर पहले आप बिरयानी देखें, लग रही है ना बिल्कुल कराची वाली बिरयानी, और वाकई में ये बहुत ही अच्छी थी। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और इनका नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे पापा की तरह टी लवर्स हैं तो फिर आपने चाय भी ज़रूर ट्राई करनी है। और रायता भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर मैं अपनी पहले भी कुछ वीडियोज़ में ये बात कह चुकी हूँ कि सऊदी के वैसे भी अगर आपने खाने के साथ कभी रायते देखे हों तो उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। और मदीना में जब आप इस तरह बैठते हैं बाहर, अब देखेंगे मैं रोड पर ही बैठकर खाना खा रही हूँ, बिल्कुल जो ये कड़क एक्सप्रेस है इसके बिल्कुल सामने ही जगह थी, वहीं पर हम बैठ गए थे। क्योंकि इनकी जो मतलब है, आप टेक अवे कर सकते हैं, आप लेकर जा सकते हैं, या यहीं बैठकर आप इस तरह कहीं पर भी रोड पर बैठ के खा सकते हैं। मक्का मदीना में ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे खाना। लेकिन इनका डाइन इन नहीं है, हो सकता है कि इन फ्यूचर डाइन इन भी ये ओपन कर लें, क्योंकि बहुत माशाल्लाह जो है वो अब नाम हो गया है और ज़ायरीन बहुत पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर डाइन इन हो, लेकिन अभी जो है वो टेक अवे है। अगर आप रोड पर बैठकर खा रहे हैं तो लाजमी खाने के बाद आपने जो कचरा है वो डस्टबिन में फेंकना है, प्लीज़। इनका रायता और इनकी बिरयानी, सिर्फ स्पून यहाँ तक आई और स्मेल जो गई है उसी से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कराची में बैठी हूँ। टेस्ट भी वाकई कराची जैसा है, तो बिल्कुल 100% रेकमेंडेड है आप यहाँ पर आएँ। जब भी मदीना तो ज़रूर विज़िट करें कड़क एक्सप्रेस। और अगर आपने कराची की ऑथेंटिक बिरयानी या कौरमा खाना है, कौरमा मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है। और इनकी जो चाय है उसकी भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है कि कड़क एक्सप्रेस की कड़क चाय बहुत अच्छी है। आज मैं अपने साथ चाय टेस्टर साथ लेकर आई हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं उन, वो मेरे साथ आई, उन्होंने कहा है कि उनको चाय बहुत पसंद है, वो मुझे बताएंगे कि चाय वाकई अच्छी है या नहीं है। तो इसका रिव्यू मैं उनसे ही लूँगी, और क्योंकि चाय मैं इतनी ज़्यादा पीती नहीं हूँ तो मैं इतना अपना फीडबैक दे नहीं पाऊँगी, लेकिन बिरयानी की तो मैं हूँ ही दीवानी, तो बिरयानी बहुत अच्छी है नो डाउट। चले जी, ये कड़क एक्सप्रेस की जो कड़क टी है वो उसका रिव्यू मुझे मिल गया, और जो एक्सप्रेशन और जो जो कहते हैं ना कि वन लाइन रिव्यू मुझे मिला वो बहुत अमेजिंग था, और चाय वाकई बहुत अमेजिंग है। अगर कराची जैसा टेस्ट और ऑथेंटिक चाय आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कड़क एक्सप्रेस पर, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये टेक अवे है यानी कि आप अपने होटल ले जा सकते हैं या बाहर यहाँ पर जो भी कहीं पर भी। मदीना तो एक ऐसा शहर है कि आप रोड पर बैठ के खाना खा सकते हैं, यहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब कुछ भी नहीं, आप रोड पर बैठे और खाना खा लें। तो इस तरह आप बैठ कर अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं, होटल लेके जा सकते हैं, और देसी कुजीन मदीना में इतना मज़ेदार मैंने पहली बार ही खाया है। क्योंकि हरम के करीब जो लोकल फूड होता है ना वो अच्छा होता है, ऑब्वियसली हमें एडजस्ट करना पड़ता है तो हम खाते हैं, लेकिन जो एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो आपको नहीं मिलता है। और हरम के इतना करीब ऑथेंटिक टेस्ट, ऑथेंटिक देसी फूड आपको मिल गया है, तो बस फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो देखकर आए तो ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो देखकर आए हैं। यहाँ पर बिरयानी है, यहाँ पर कोरमा है, और उसके अलावा यहाँ पर जैसे जिंगर बर्गर और इस तरह की भी चीज़ें हैं। बैक पर यह हिल्टन होटल है, ये मस्जिद नबवी के 330 गेट से आप सीधा आएंगे तो फिर आपने राइट हैंड पर आना है, और आगे ये इस तरह तीन चार जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं और सभी टेक अवे हैं। तो आप टेक अवे लें, अपने होटल जाएँ, या फिर जाकर अपने आप
यहाँ पर कहीं पर भी बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मदीना में इस तरह बैठ कर खाना खाना। चले अब मैं अपनी शाय इंजॉय करती हूँ, इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में होती है मुलाकात। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और जब भी मदीना आए तो इसके कड़कदार मौसम में कड़क एक्सप्रेस की कड़क चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।